हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हंसी मनीषा ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। ये मंच लेके पीछे पड़ी है, आज पूरा 40 रुपये वाला डेयरी मिल्क खाई है, फिर मंच के पीछे पड़ी है। स्कूल से आने रहे थे तो ज़बरदस्ती इसके पापा पकड़ के लाए, झूला झूल रही थी, ज़बरदस्ती लेके आए हैं तो कह रही है कि मुझे चॉकलेट दिलाइए। तो उधर कहीं डेयरी मिल्क नहीं मिला था, कह रही मुझे बड़ा वाला डेयरी मिल्क चाहिए। तो रास्ते में उधर 2-3 दुकान है, वहाँ पे नहीं मिल रहा था, तो इधर मार्केट से होकर घूम के आई है, तो बड़ा वाला 50-40 वाला डेयरी मिल्क लेके आई है, पूरा 2 बार में खत्म। दलो खाने के लिए 1 रोटी को आधे घंटे में खाती है, लेकिन डेयरी मिल्क चॉकलेट के लिए तो पूछिए मत। ऐसे पकड़ो, यहाँ पे गर्मी हल्की हल्की शुरू हो गई, बादल है लेकिन ना उमस जैसे लग रहा है, उधर नहीं जाओ, उमस जैसे लग रहा है, अजीब मौसम बना है। हो सकता है या फिर बारिश हो या फिर गर्म मौसम आएगा। देखो हल्का हल्का पसीना हो रहा है। पतिदेव ड्यूटी गए, आज 20 शिफ्ट ड्यूटी है, जब से साफ निकला तब से 20 शिफ्ट ड्यूटी जा रहा है, तो हमें डर ही लग रहा है गेट खोलने में। हम तो इनसे कह रहे हैं कि 20 शिफ्ट कम ही करिए। साफ देखने के बाद तो गेट खोलने जाने में भी डर लगता है, 2-2 बार वहीं पे देख लिया तो अजीब भय हो गया। इस टाइम पता नहीं क्यों सपने में भी खूब साफ आ रहा है, पिछली बार जब गाँव से आया था लौट के तब भी एक बार ऐसे खूब झुंड का देखे थे साफ का सपना, फिर इस बार फिर आया तब भी देखे आए। कुछ लोग कहते हैं कि सपने में सांप आता है तो बहुत शुभ होता है, लेकिन हमें तो नहीं लग रहा कहीं डसने वसने के फिरात में ना वो वही शुभ होगा। पता नहीं क्यों सपना में खूब देखते हैं सांप का। पहले हम सोमवार का व्रत रहते थे, रहते क्या अभी छोड़े, करीब 2-3-4 महीने 3 महीना हो गया होगा छोड़े, नहीं तो हम शादी के बहुत पहले से व्रत रहते थे, छोड़ रहे थे बीच में फिर उठा ले रहे थे। तो इस टाइम में जब से व्रत छोड़े हैं सोमवार का, तब से अजीब अजीब सा लग रहा है। अब सोच रहे हैं खरवास उतर जाएगी खिचड़ी बात से फिर उठाएंगे व्रत, या फिर उस रीजन से कि क्यों पता नहीं क्यों किस वजह से सांप दिखाई दे रहा है समझ में नहीं आ रहा है। सांप का सपने में आना शुभ माना जाता है, क्या शुभ है, मेरे बगल में तो कुछ नहीं शुभ हो रहा है। आप जो कुछ भी हो ऊपर वाला आगे देखे क्या शुभ होता है क्या नहीं होता है। लेकिन अब 20 ड्यूटी जब जाते हैं तो बहुत डर लगता है गेट खोलने में, 2 बार उसे गेट पे बैठा मिला तो इस वजह से ज्यादा डर लगता है, नहीं तो पहले निश्चिंत होके जाते थे। अब तो सीढ़ी की 2-2 लाइट जला के जाते हैं, मोबाइल का टॉर्च जला के जाते हैं, फिर भी डर लगता है। The next morning. नहीं जली लाइट? नहीं जल रहा है। इस वाले में जल रहा है। अरे गिरी। इस वाले में भी नहीं जल रहा है। तेज कूदो, जंप करो। बैटरी खत्म हो गई। बैटरी खत्म हो गई है। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? कोई बात नहीं। तो फिर जलेगा दोबारा? बैटरी खत्म हो गई तब कैसे जलेगा दोबारा? कल दोबारा चलेगा। बाय बाय। जा रहे हैं नैन्सी को रिसीव करने स्कूल से, उधर से उसको लेके आने के बाद कुछ सामान लेना है घर का, तो उसको स्कूल से लेके फिर उधर से ही जाएंगे, राशन वासन खरीद के सब लाएंगे। Oh, I'm so sorry.
Next day. कितना चप्पल चाहिए? क्या? कितना चप्पल चाहिए? दो चप्पल. दो चप्पल? बुला बुला अपने पापा को. पापा ये चप्पल पहने हैं. तेरे पापा को तो चाहिए तो पहनना थोड़े. अनंत जी. नहीं बेटा, मांग मत करवाओ.